प्रिय विद्यार्थियों, लास्ट क्लास में अपन ने अनिश्चित समाकलन और फॉर्मूले पढ़ लिए थे समाकलन के। आज की क्लास में है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस समाकलन का मान निश्चित होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, निश्चित समाकलन कहते हैं। और कोई भी फलन अक्सर दी गई सीमाओं में समाकलन होता है, जैसे फलन है डी एक्स डी एक्स टू बी इक्वल टू एफ एक्स ए टू बी इक्वल टू एक्स की जगह ये ए यहाँ लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है। पहले उच्च सीमा बी और निम्न सीमा क्या है, ए। उच्च सीमा का मान रखा जाएगा, फिर अलग में निम्न सीमा का मान रखा जाएगा और यह आ गया एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए। ये जहाँ ए निम्न सीमा है, लोअर लिमिट, और बी उच्च सीमा है, अपर लिमिट। ओके, पहले आप उस सीमा को रखोगे, फिर निम्न सीमा रखोगे तो बिल्कुल किसका चिन्ह रहेगा, माइनस का। ये निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन के रूप निश्चित समाकलन के रूप प्रॉपर्टी जो डेफिनेट इंटीग्रेशन निश्चित समाकलन के गुण, पहला गुण क्या है, ए इंटीग्रेशन ए टू बी जी एक्स डी एक्स इक्वल टू, अगर लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दे रहे, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दे रहे, लेकिन किस बना जाएगा माइनस का बी टू ए जी एक्स डी एक्स। नंबर दो जी एक्स ए टू बी इक्वल टू ए टू सी जी एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी जी एक्स डी एक्स। ओके, जहाँ ए लेस देन सी लेस देन बी, सी का मान है, सी है वो ए से बड़ा है बी से छोटा है। जैसे मान लो आपको लिमिट दे दी दो से लेके आठ, तो आप दो से लेके छः कर सकते हो, छः से आठ लिमिट दे सकते हो, ऐसे भी इसका समाकलन किया जा सकता है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, गुण है, वो क्या है, डी एक्स और लिमिट हो गई माइनस ए टू प्लस ए डी एक्स। ठीक है, जीरो से माइनस ए और जीरो से प्लस ए, अगर अपन लिमिट जीरो से ए ले तो कितने से गुणा कर दें, दो से गुणा कर दें डी एक्स और डी एक्स दो से गुणा कर दें। ठीक है, तो ये आ गया टू मल्टीप्लाई होगा ऐसा जो अपने। अब अपना क्वेश्चन है निम्न के समाकलन की गुण, क्वेश्चन है निम्न के समाकलन की गुण। पहला है रूट एक्स डी एक्स, दूसरा है वन बाई रूट
dx. तीसरा है b x square plus c 4 x plus c 5 और dx. ओके अपना पहला क्वेश्चन आंसर अंडर रूट x dx इक्वल टू x की घात 1 बटा 2 dx. चूंकि अपन ये जानते हैं x की घात n dx का समाकलन होता है x की घात n plus 1 divided by n plus 1. ओके यहाँ x की घात कितनी है 1 बटा 2 तो n का मान 1 बटा 2 रख दो और फॉर्मूला क्या देगा 1 बटा 2 plus 1 1 बटा 2 plus 1 इक्वल टू x की घात 3 बटा 2 divided by 3 बटा 2 बराबर 2 बटा 3 x की घात 3 बटा 2 ये आंसर आ जाएगा. नंबर 2 1 by root x dx x की घात minus 1 बटा 2 dx बराबर यहाँ n की जगह क्या आ गया minus 1 बटा 2 आ गया x की घात minus 1 बटा 2 plus 1 divided by minus 1 बटा 2 plus 1 और इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर प्लस का 1 बटा 2 बचेगा नीचे माइनस का 1 बटा 2 बचेगा तो x की घात माइनस 1 बटा 2 डिवाइडेड बाय 1 बटा 2 प्लस का 1 बटा 2 ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 रूट x इसका आंसर हो जाएगा. तीसरा अपना जो क्वेश्चन है वो अपन यहाँ टाइप इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx और इसका अपने को समाकलन करना है. आप जानते हैं समाकलन अवकलन में समाकलन योग तथा अवकलन पर बंटित हो जाता है. योग तथा अवकलन पर बंटित होगा तो 3x स्क्वायर dx प्लस 4x dx प्लस 5 dx और यह आ गया 3 इसका समाकलन हो गया x की घात 2 प्लस 1 डिवाइडेड बटा 2 प्लस 1 प्लस 4 x की घात 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस 5 और यहाँ पर dx है तो x की घात 0 आप ले सकते हैं x की घात 0 प्लस 1 बटा 0 प्लस 1 और ये हो गया x की घात 1 1 से बात देंगे तो x ही आएगा. यह आ जाएगा अपने पास 3 x स्क्वायर बटा 3 3 x स्क्वायर बटा 3 3 से 3 कैंसिल प्लस 4 x स्क्वायर बटा 2 2 से ये 2 कैंसिल होकर ऊपर 2 आ गया प्लस 5 x और यह आंसर हो गया अपने पास x का क्यूब बटे भी नहीं प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 5 x का सॉल्यूशन हो गया. ये अपने तीनों क्वेश्चन हो गए समाकलन के. अब समाकलन के अनुप्रयोग भौतिकी समाकलन के अनुप्रयोग समाकलन के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इन फिजिक्स भौतिकी में समाकलन के अनुप्रयोग पहला स्थिति या विस्थापन स्थिति या विस्थापन स्थिति या विस्थापन क्या है. अब यदि किसी कण का वेग समय का फलन हो तो वेग का समय के सापेक्ष प्रथम वेग का समय के सापेक्ष समाकलन स्थिति या विस्थापन को व्यक्त करता है. वेग किसका फलन हो समय का फलन हो तो वेग का किसके सापेक्ष समाकलन करते हैं समय के सापेक्ष समाकलन करते हैं t1 to t2
और हमें क्या मिल जाएगी, स्थिति या विस्थापन मिल जाएगा, स्थिति या विस्थापन। x इक्वल टू t1 से t2 v into dt। अगर आपको वेग किसका फलन दे दे, समय का फलन दे दे और हमें क्या ज्ञात करवाए, स्थिति या विस्थापन ज्ञात करवाए, तो वेग का समय के सापेक्ष समाकलन करने पर, दी गई सीमाओं में समाकलन करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, स्थिति या विस्थापन प्राप्त हो जाता है। दूसरा कार्य वर्ग, कार्य वर्ग, कार्य कैसे ज्ञात करेंगे, कार्य ज्ञात करने के लिए अगर बल है वो विस्थापन का फलन है, यदि बल विस्थापन का फलन हो तो बल का विस्थापन के सापेक्ष समाकलन कार्य को प्रदर्शित करता है। बल किसका फलन दिया गया हो, विस्थापन का फलन दिया गया हो, बल विस्थापन का फलन हो तो बल का विस्थापन के सापेक्ष समाकलन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है, इसको डब्ल्यू से व्यक्त कर दिया जाता है। ओके, x1 से x2 f into dx, ये समाकलन के क्या हो गए, अनुप्रयोग हो गए, इसमें भौतिकी में समाकलन के अनुप्रयोग हो चुके। अब अपन करेंगे क्वेश्चन, किसी कण का वेग समय t पर निम्न प्रकार निर्भर करता है, v बराबर बराबर t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, जहां यदि t बराबर 0 पर कण की स्थिति x बराबर 0 है तो t बराबर 5 सेकंड पर कण की स्थिति होगी, कण की स्थिति होगी। अब यहां पर आप प्रश्न में देख रहे हैं v बराबर t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5, वेग किसका फलन दिया गया है, समय का फलन दिया गया है, और समय का फलन दिया गया है इसलिए वेग का समय के सापेक्ष क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, और समाकलन करेंगे और लिमिट क्या लेंगे, t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड लिमिट लेके अपन क्या प्राप्त कर सकते हैं, स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। आंसर देखो, x इक्वल टू अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, t1 से t2 v x इक्वल टू 0 से 5 और v का मान क्या आ गया, t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इंटू dt। x इक्वल टू अलग अलग अपन कर दें, 0 से 5 t स्क्वायर dt माइनस 2 t dt प्लस 5 dt, और लिमिट्स हैं 0 से 5 0 से 5 x इक्वल टू ये t स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो t की घात 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 और 0 से कितना आ गया 5 आ गया प्लस माइनस 2 t का t के सापेक्ष समाकलन, यहाँ t की घात 1 है तो 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 और ये आ गया 0 से 5 प्लस 5 dt है तो यहाँ t की घात 0 प्लस 1 बटे में 0 प्लस 1 और 0 से कितना आ गया 5 आ गया। x इक्वल टू यहाँ पर
x equal to t की घात 3 बटे में 3 0 से 5 माइनस 2 t स्क्वायर बटा 2 0 से 5 2 से 2 कैंसिल प्लस i t 0 से 5 x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां 2 से 2 कैंसिल हो गया और पहले कौन सी सीमा रखेंगे आप उच्च सीमा और फिर निम्न सीमा उच्च सीमा रखेंगे तो 5 का 2 बटा 3 माइनस आ गया 0 2 से 2 कैंसिल 5 का स्क्वायर माइनस से बटे में 2 2 तो कैंसिल हो गया माइनस 0 प्लस 5 5 माइनस लॉग नेगेटिव है तो 0 बचेगा x इक्वल टू 5 बटा 3 125 बटा 3 माइनस 25 प्लस 25 और यह आंसर हो गया 125 बटा 3 मीटर ठीक है तो स्थिति क्या हो गई x इक्वल टू 125 बटा 3 मीटर ठीक है t बराबर 5 सेकंड पर कण की स्थिति x बराबर 125 बटा 3 मीटर होगी नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 एक स्थिति पर निर्भर बल एक स्थिति पर निर्भर बल F बराबर 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर है 5 किलोग्राम के छोटे पिंड पर कार्य करता है छोटे पिंड पर कार्य करता है यदि यह बल पिंड को x बराबर 0 से x बराबर 5 मीटर तक विस्थापित कर देता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए किए गए कार्य की गणना कीजिए यहां बल किसका फलन है स्थिति या विस्थापन का फलन है तो बल का समय के सापेक्ष समाकलन है वो किसके बराबर आएगा कार्य के बराबर आएगा इसकी लोअर लिमिट 0 हो जाएगी अपर लिमिट कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी तो w बराबर हमारा फार्मूला का आंसर w बराबर x1 से x2 और f dx 0 से 5 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx W बराबर 7 0 से 5 dx माइनस 2 x dx 0 से 5 प्लस 3 x square dx 0 से 5 W equal to 7
dx का समाकलन x की घात 0 प्लस 1 बटे में 0 प्लस 1 0 से 5 माइनस 2 x की घात 1 प्लस 1 बटे में 1 प्लस 1 0 से 5 प्लस 3 x की घात 2 प्लस 1 बटे में 2 प्लस 1 0 से 5 w इक्वल टू 7 x 0 से 5 माइनस 2 तो x का बटा 2 0 से 5 प्लस 3 x 2 बटा 3 0 से 5 3 से 3 कैंसिल 2 से 2 कैंसिल तो अब जो y का मान वो क्या आएगा w बराबर 7 5 माइनस 0 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया 5 का माइनस 0 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो गया 5 माइनस 0 w इक्वल टू 7 से 5 मल्टीप्लाई 35 माइनस 35 प्लस 135 w इक्वल टू 135 में से 35 चले जाएंगे 100 और 100 प्लस 35 हो गया तो 135 जुड़ जाएंगे ये कार्य का मान होगा ओके।